मैंने यार एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि घर वाले मेरे से इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी बात छुपाएंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, अभी सुबह हो गई है, व्लॉग एडिट हो गया है और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह कालू आ गया है और इसने जो बाणी लगाई है ना यहाँ पे आके, मतलब यार जब से बस बोले जा रहा है ये आदमी को ढूंढ रहा है कि यार मेरे से भी कोई बोलो। बट हम भी क्या कर सकते हैं, हमें भी अपना काम है, काम करना है, अभी ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद ब्लॉग भी बनाना है पूरा का पूरा दिन। तो अभी देखते हैं आज क्या ब्लॉग बनेगा, चलते हैं कहीं पे या देखते हैं। अभी मोटो ब्लॉगिंग करने की सोच रहा हूँ मैं, तो कमेंट में बताओ क्या सजेशन है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ जंगल में और जंगल में आपको पता ही है कि मैं क्यों आता हूँ। जब मेरे को कोई टेंशन होती है या मैं सैड होता हूँ, तो आज जो बात है वो बहुत ही बुरी है। मतलब यार मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, कि भाई स्कूबी आजकल ब्लॉग्स में क्यों नहीं दिख रहा है। तो मेरे को भी लगा यार कि मतलब मेरे से घर वालों ने यही बोला था कि वो जो अब वो चला गया है किसी के साथ। तो मेरे को भी लगा कि यार हाँ चला गया होगा, क्योंकि वो चला जाता था, हर किसी के साथ चला जाता था, बट वो आ भी जाता था। लेकिन इस बार जो वो आया नहीं, और मैंने यार एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि घर वाले मेरे से इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी बात छुपाएंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं यार। तो अभी मेरी ऐसे ही मम्मी से सुबह बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि मम्मी यार लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं और मतलब स्कूबी को ढूंढते हैं। मतलब ढूंढना तो हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा था, मैंने ही ढूंढा था, क्योंकि उनको तो पता था कि भाई वो मतलब उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने ढूंढा, मैंने मतलब बहुत बाहर गया मैं, ऊपर वाले गाँव में, फिर नीचे वाले गाँव में और यहाँ पर जंगलों में भी बहुत ज़्यादा ढूँढा उसको, बट वो नहीं मिला। और अभी सुबह मम्मी बोलते हैं कि भाई वो तो मतलब उसकी डेथ हो गई है। तो सुबह सुबह यार इतनी बुरी खबर मिल गई कि वैसे एकदम से मन ख़राब हो गया और मैं यहाँ पे आ गया। आपको पता ही है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जब भी मेरा मन ख़राब होता है। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, मतलब ऐसे ना लग रहा है कि मतलब घर से कोई ना एक सदस्य चला गया है, कोई फैमिली मेम्बर चला गया है। क्योंकि यार वो पूरे ऐसे गांव में घूमता रहता था, चहल पहल रहती थी, हर कोई मतलब कोई कब बोल रहा है कि भाई तुम्हारा कुत्ता यहाँ पे है, तुम्हारा कुत्ता वहाँ पे। तो हम मतलब वो आ जाता था, बहुत ही समझदार था, पर क्या कर सकते हैं यार। मतलब यार थोड़े दिन भी अगर वो बच जाता, मेरे को तो ये भी पता नहीं है कि उसकी डेथ क्यों हुई है और कैसे हुई है, कहाँ हुई, कब हुई। तो मम्मी बोल रहे थे कि जिस दिन मैंने न्यू फ़ोन लिया है उस दिन शाम को उसकी डेथ हुई थी, तो इसलिए हमने तुमको बताया नहीं, क्योंकि मैं खुश था फ़ोन के लिए। और यार घर वालों को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है यार, मतलब यार सब जगह ऐसा लग रहा है कि स्कूबी है पर वो है नहीं। और सबसे ज़्यादा याद तो उसकी उस टाइम आती है जैसे जब हम डोर खोलते हैं तो वो डोर के सामने बैठा रहता था और एकदम से उठता था, फिर डोर खोलते थे। तो अभी जो वो एकदम से डोर खोलते हैं निकल जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और कमरे में बैठा रहता था पूरा पूरा दिन। और आज कल रात तो मेरे को सपने में भी आया था कि स्कूबी लेटा हुआ है कमरे में। तो बहुत बुरा लगता है यार ऐसे में। और मेरे को अभी लगा पता, तो मैंने वीडियो बना दी। और मैं चाहता तो मैं ऐसा बोल सकता था कि वो जो वो अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ भाग गया है। बट मेरी यार एक आदत है, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता है और झूठी बात किसी को बताई नहीं जाती है कि हाँ भाई ये झूठ है और ये सच है, मेरे से नहीं बोला जाता है। तो जो बात सच होगी मैं बता दूँगा। तो मेरे में ये है कि जो भी बात है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ, तो इसलिए आपसे शेयर कर दिया मैंने। क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, तो भाई लोग पूछ रहे थे कि स्कूबी क्यों नहीं दिख रहा है, स्कूबी कहाँ पे है।
तो मैंने बता दी है अभी, और बहुत ही बुरी खबर है। बट अभी इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है क्योंकि यार मैंने देखा नहीं उसको, और पिछली बार जब स्नोवी की डेथ हुई थी तो उसको तो भाई मैंने अपने हाथों से इतना सा था वो उठा के लंबा गाँव लेके गया था विदाउट बस विदाउट एनी कार। तो अभी इसको तो मैंने देखा भी नहीं है क्योंकि मेरे से इतने दिनों बाद बोल रहे हैं, कम से कम एक दो हफ्ते हो गए होंगे तो इतने दिनों बाद मेरे से बोल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। बट यार कभी कभी जैसे घर में जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि भाई यहीं पे होता था और अभी नहीं है। तो और ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो थी जिसमें कि मैंने आपको बता दिया जो हुआ, और अभी इसके आगे करेंगे ब्लॉग स्टार्ट। ब्लॉग देखते हैं यार कैसा बनता है, मेरे तो पूरा का पूरा ऐसे मूड बिल्कुल ख़राब हो गया है, कुछ भी बोलने के किसी से बात करने के भी मतलब ऐसे किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो फिर इतना सा था वो, इतना सा जैसे आपने वीडियो भी देखी होगी कितने कैसे मतलब मैं उसको लड़ाई करके लेके आया था, और बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। आप इंस्टाग्राम पे मेरी हाइलाइट्स देख सकते हो, उसके नाम की हाइलाइट्स भी पड़ी हुई हैं। तो अगर आपने उसको मतलब बेबी पिक नहीं देखी है तो वहाँ पे देखिए, बहुत ही क्यूट था। तो अभी करते हैं वीडियो को एंड।